कहानी शुरू होती है 2010 बेंगलोर में तारा सिंधे की फैमिली से, जहां आज कुक और साफ सफाई वाली आज छुट्टी पर थी। तारा के दो बच्चे थे, एक को म्यूजिक कंपोजर बनना था एआर रहमान की तरह, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी पूरा टाइम बस मस्ती पार्टी इन्हीं में लगी रहती थी। सुनील, तारा का हस्बैंड, बच्चों को हमेशा डांटता रहता था क्योंकि उसे लगता था वो दोनों बिगड़ रहे हैं। तारा अपने घर का सारा काम ख़त्म करके अपने इसरो ऑफिस के लिए निकलती है। आज 25 दिसंबर 2010 को वहाँ GSLV F06 की लॉन्चिंग होनी थी, जिसकी प्रोजेक्ट हेड फिल्म में राकेश धवन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारा सिंधे हैं। एक्चुअली रॉकेट लॉन्चिंग के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज रॉकेट का सबसे निचला हिस्सा कुछ हाइट पर रॉकेट से अलग हो जाता है। उसके बाद पेलोड सेक्शन रॉकेट को आगे लेकर चलता है और वो भी कुछ टाइम बाद रॉकेट से अलग हो जाता है। एंड देन फाइनल स्टेज GS3 भी सेपरेट हो जाता है और सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पर पहुंच जाती है। पर ऐसा अगर हो पाता तो हमारे देश के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी होती और तरीका होता जहां हम इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को इंडियन व्हीकल से स्पेस भेज सकते थे। लॉन्चिंग के टाइम पर तारा के जूनियर से इन्फॉर्म करती है कि क्रायोजेनिक फ्यूल के पास का तापमान ज़्यादा है, ऐसे में रॉकेट लॉन्च करना रिस्की हो सकता है। पर सारे हेल्थ केयर एक्टर सही से काम कर रहे थे। एक्चुअली उस टाइम हमने क्रायोजेनिक इंजन रसिया से मंगाया था, जिसमें एज फ्यूअल लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज़ होता है और ये इतना फोर्स प्रोवाइड करती है कि हमारा रॉकेट सक्सेसफुली ग्रेविटी को मात देकर लॉन्च हो सके। पहले स्टेज के टाइम पर रॉकेट अपनी पाथ से भटक जाती है, क्रायोजेनिक इंजन सही से काम ही नहीं करता और मजबूरन रॉकेट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। हर जगह कवर आग की तरह फैल जाती है कि इसरो का मिशन फेल हो गया, देश का इतना पैसा बर्बाद हो गया। कमेटी धवन साहब से पूछताछ करती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा दिख रहा था तो भी लॉन्चिंग क्यों की गई। वहीं चंद्रयान 2, जिस पर धवन साहब को काम करना था, वो रूपर देसाई को सौंप दिया गया। ये बंदा कमेटी को सजेस्ट करता है, नासा हमसे 50 साल आगे हैं, हमें उनके तरीके से रॉकेट्स को बनाना चाहिए जिससे हमें फेलियर्स मिलेंगे ही नहीं। जिस पर धवन साहब कहते हैं, हम जिस फील्ड में हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स ही किए जाते हैं, अगर हमने कॉपी कर लिया तो हम साइंटिस्ट किस बात के। और नासा के भी बहुत से मिशन फेल हुए हैं, चाहे वो अपोलो 1 हो या कोलम्बिया। अब सरकारी नौकरी थी तो कमेटी जॉब से तो बाहर कर नहीं सकती, इसलिए उन्होंने धवन साहब को मार्स डिपार्टमेंट दे दिया, जहाँ का ना तो ऑफिस सही से था ना ही ज़्यादा लोग थे। तारा को काफ़ी अफसोस हो रहा था कि उसकी एक गलत डिसीजन का भुगतान धवन सर को करना पड़ रहा। सीन शिफ्ट होता है तारा के घर पर, जहाँ कुक पूरी बना रही थी पर सिलेंडर में गैस कम था। तारा कुक को आइडिया देती है, जब तक तेल गर्म रहे गैस बंद रखो, फिर थोड़ी देर में ऑन कर लेना, ऐसे कम गैस में पूरियाँ तल जाएंगी। तारा को इस बात से एक आइडिया मिलता है और वो तुरंत धवन साहब के पास जाती है। तारा की बात सुनकर धवन साहब इसरो के चेयरमैन सर की मीटिंग में गैस सिलेंडर लेकर पहुंचते हैं, जहां रूपर्ट चंद्रयान 2 मिशन के बारे में डिस्कस कर रहा था। तारा पहले तो पूरी वाला कारनामा लाइव करके दिखाती है, फिर इसी तरीके को मार्स मिशन के लिए यूज़ करने को कहती है। एक्चुअली हमेशा से ही इसरो का बजट नासा के मुकाबले कम ही रहा है, तो अगर इंडिया को मार्स में जाना है तो ये काम उन्हें कम फ्यूल में ही करना होगा जिससे बजट कम रहे। तारा एक प्रेजेंटेशन दिखाती है जिसमें होमेन की थ्योरी का यूज़ किया गया है। एक्चुअली अगर आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पता हो तो आप जानते होंगे कि जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ का चक्कर लगाती हैं, और अगर थोड़ी सी स्पीड इंजेक्ट की जाए तो ऑर्बिट थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, दिल आप उतना फोर्स नहीं लगाते कि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाओ। तो आइडिया ये था कि अर्थ की ग्रेविटी खुद ही चक्कर लगाने में मदद करेगी, तो हर इंजेक्ट के बाद फ्यूल को बंद कर दो और एक फाइनल इंजेक्ट से स्लिंग शॉट देकर हमारी सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर। धवन बताता है 3 सालों में एक बार मार्स अर्थ के सबसे नज़दीक होता है, हमें उसी टाइम पर अपने सैटेलाइट को मार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड में उतारना होगा। इसलिए अगर हम 24 सितंबर 2014 तक मार्स की फील्ड में पहुंचना है तो 11 महीने पहले सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ेगा, इसलिए और डिबेट करने पर फिर से हमें 2017 तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। रूपर्ट भी अपनी राय रखता है कि सैटेलाइट की वजन ज़्यादा होगी, ऐसे में PSLV रॉकेट उसे कैरी नहीं कर सकता। चेयरमैन को भी लगता है रूपर्ट के बात में दम है, क्योंकि अभी हमारा GSLV वाला जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल हो गया था। पर धवन चेयरमैन को कन्विंस करता है कि वो कोई जुगाड़ कर लेगा, फॉर नाउ उन्हें ये करने दे, क्योंकि अगर इंडिया पहली बार मार्स में पहुंचता है तो हम दुनिया के पहले ऐसे देश बन जाएंगे जो मार्स पर पहली बार में ही पहुंच गया। तारा पहले से ही उन साइंटिस्ट की लिस्ट बनाकर लाई थी जो इस काम में उनकी मदद कर सकते थे, पर रूपर्ट ने सभी साइंटिस्ट के जूनियर्स को मार्स मिशन के लिए अपॉइंट कर दिया था जिन्हें कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। चलिए आपको उन सभी से मिलवाते हैं। यह है वर्षा पिल्ला है, लाइट वेट सेटेलाइट डिजाइनर, जिनकी स्पेशलिटी है छोटी सी जगह में कई सारी चीज़ें फिट कर देती हैं। कृतिका अग्रवाल, नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन साइंटिस्ट,
ये बेंगलोर में अकेले रहती हैं क्योंकि इनके हस्बैंड आर्मी में हैं। नेहा सिद्दीकी सेटेलाइट ऑटोनॉमी स्पेशलिस्ट, इनका डाइवोर्स हो चुका है और रीजन की वजह से घर नहीं मिल रहा इन्हें। एका गांधी प्रोपल्शन साइंटिस्ट, माँ बाप नहीं है, एक बीएफ था जिसे कुछ देर पहले ही ब्रेकअप हो गया है। परमेश्वर जोशी कैमरा एंड पेलोड साइंटिस्ट, जिनके खुद का मंगल भारी है। अनंत अयनागर स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जिनकी उम्र इतनी हो गई है कि अब वो अपनी चाय पीते पीते आराम करना चाहते हैं। एका का काम है 1500 केजी फ्यूल से फ्यूल की क्वांटिटी किस तरह 850 लाए कि वो अर्थ की ग्रेविटी को आराम से पार कर सके। कृतिका को कम समय में इस तरह से कम्युनिकेशन को सेट करना है कि सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट बना रहे। नेहा को सैटेलाइट की काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद हैंडल कर सके, लाइक टेस्टिंग, मैनेजिंग, रिपेयरिंग, उसका प्रोग्राम तैयार करना है। वर्षा को सैटेलाइट के वेट जितना हो सके उतना कम करने का टारगेट दिया गया था। परमेश्वर को उसी छोटी सी सैटेलाइट में कैमरा, इंफ्रारेड और भी बाकी सेंसर्स को इस तरह से लगाना था कि सैटेलाइट का वेट ना बढ़े। कुछ टाइम बाद इसरो के चेयरमैन मार्स ऑफिस में आते हैं। वो इन्फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट 800 करोड़ का फंड देने से मना कर रही और इसरो के पास उतना फंड नहीं आता कि वो इन्हें दे सके, इसलिए मिशन को रोकना पड़ेगा। धवन और तारा को छोड़कर बाकी के मेंबर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं। तारा भी सोचती है कि वो रिज़ाइन दे दे और घर पर आकर अपनी फैमिली के साथ ओटी ट्रिप पर चलने का प्लान बनाती है। सुनील ये सुनकर काफ़ी खुश होता है कि अब उसे अकेले बच्चों का ध्यान नहीं रखना होगा। दूसरी तरफ धवन साहब इसरो के मेन ऑफिस पर पहुँचते हैं, जहाँ न्यूज़ में चाइना के मार्स मिशन फेल हो गया ये खबरें चल रही थी। धवन चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि अगर इसरो के सारे मिशन अभी रोक कर फंड्स को मार्स मिशन में लगा दें तो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का भी रुतबा बढ़ेगा। चेयरमैन मिशन को बचे हुए 400 करोड़ देने को तैयार हो जाते हैं और चंद्रयान 2 को कुछ पलों के लिए रोक दिया जाता है। सारी टीम वापस आ जाती है। अब मिशन पहले ही कम बजट पर था, अब उसे भी आधा कर दिया गया है 400 करोड़ का। वर्षा भी माँ बनने वाली थी, कृतिका के हस्बैंड भी बॉर्डर पर घायल हो चुके थे, निशा को अभी तक रहने की जगह नहीं मिला थी, एका नाशा में जाकर काम करना चाहती थी। ऐसे में टीम अंदर से काफ़ी खोखली थी, इतना टाइम भी नहीं बचा था कि 9 to 5 के जॉब में मिशन पूरा हो सके और 15-15 घंटे काम करने के लिए तो कोई रेडी ही नहीं था। धवन सबकी जिम्मेदारी तारा पर देकर फंड्स अरेंज करने के लिए जाता है। घर पर आकर तारा को पता चलता है कि उसकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई है। उसके दोस्त को कॉल लगाने पर पता लगता है कि वो क्लब में गई है। तारा सुनील के साथ क्लब में पहुंचती है, जहां वो भी अपनी बेटी के साथ डांस करते हैं। तारा को एक आइडिया आता है। अगले दिन वो ऑफिस में केक लेके जाती है और सभी से पूछती है आखिर उन्हें कब लगा था कि वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ कृतिका के हस्बैंड कृतिका को देश के इंपॉर्टेंट मिशन में अपना 100% देने को बोलता है। तारा वर्षा को भी समझाती है कि बेबी का ख्याल रखने की सारी अरेंजमेंट वो लोग ऑफिस में कर लेंगे। सभी लोग अपने पास्ट को याद करके काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं और ये समझ जाते हैं ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। निशा को अनंत अपने घर में रहने की जगह भी दे देता है। पूरा ऑफिस रेजुनरेट किया जाता है और धवन के आने से पहले ऑफिस भी चकाचक और टीम मेंबर्स भी अपना 100% देने को तैयार थे। अनंत एक आइडिया लेकर आता है कि जिस मटेरियल से प्लास्टिक बनता उसी से हम सैटेलाइट भी बना सकते हैं, जिससे उसका भार कम हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक को चाहे कितने साल भी हो जाए वो ज्यों का त्यों ही रहता है। एका धवन को इन्फॉर्म करती है कि इतने कम फ्यूल में जाना इम्पॉसिबल है, जिस पर धवन उस पर गुस्सा करता है और कहता है वो इस मिशन का काम छोड़ दे, वो इस मिशन के लिए बनी ही नहीं है। एका पूरी रात सोचती है कि क्या कर सकते हैं। तभी उसके दिमाग में शिप का आइडिया आता है। सुबह वो टीम को सैटेलाइट का डिज़ाइन थोड़ा चेंज करने को बोलती है कि सोलर पैनल्स को ऊपर लगाने की बजाय अगर साइड से लगाएं तो जिस तरह से शिप को हवा की मदद से आगे बढ़ने में मौका मिलता है उसी तरह से हमें सोलर विंड की हेल्प मिल सकती है और कम फ्यूल में हम काफ़ी दूरी तय कर लेंगे। सैटेलाइट का डिज़ाइन चेंज होने से वो स्पेस ज़्यादा कवर कर रही थी, जिसे हैंडल करने में अपनी वर्षा एक्सपर्ट है। एका को अपने काम से खुशी मिलती है और वो नासा के साइट से अपना जॉब रिक्वेस्ट डिलीट कर देती है। रास्ते पर लौटते हुए अनंत जी भी निशा के हस्बैंड को पब्लिक से पिटवा देते हैं। यहाँ ट्रांसमीटर, सेंसर, कैमरा और बाकी चीज़ें जो सैटेलाइट में लगने वाली हैं सब मिलाकर 50 करोड़ का बजट अब भी ज़्यादा हो रहा था। जिस पर तारा कहती है अगर चंद्रयान 2 मिशन अभी पॉज पर है तो क्यों ना उसी में से सेंसर वगैरह को यूज़ कर लिया जाए, इससे सब कुछ बजट में भी हो जाएगा। धवन साहब हंसते हुए तारा का पैर छू लेते हैं। अब फाइनली हमारा रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका था और सिप के थ्रू हमारे एंटीना भी पैसिफिक ओशियन ट्रैवल करके सही लोकेशन पर पहुँचने वाले थे। हमें अगर 24 सितंबर 2014 तक मार्स की फील्ड में पहुँचना है तो हमें 28 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में ही लॉन्चिंग करनी होगी। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस समय श्रीहरिकोटा में धुआंधार बारिश हो रही थी। 31 को सब आए पर लॉन्च नहीं हो पाया, 1 को आए तो भी नहीं हो पाया, 2 पर भी सेम, ऐसे करते करते 5 तारीख आ गई।
मिशन को अबॉर्ट करना पड़ा और सभी लोग अपने घर के लिए निकलने लगे। तभी अचानक से सूरज की रोशनी पड़ने लगी, मौसम साफ हो गया, सब जल्दी से आते हैं और हमारा PSLV सैटेलाइट को लेकर उड़ गया। PSLV सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटी की कक्षा में डालकर अलग हो गया और सैटेलाइट हमारे अर्थ का चक्कर लगाने लगी। डे 2 को पेरिग्री पे पहुंचते ही स्पीड को इंक्रीज किया गया, सेम डे 3, डे 8, डे 12, डे 18 पर किया गया। डे 24 को फायर हो ही नहीं पाया, जिसकी वजह से कैलकुलेशन से हम 6 दिन पीछे हो गए। डे 30 पर फाइनल फायर किया गया, जिससे सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल गया, सोलर पैनल भी खुल गया और अभी थोड़ा सा फ्यूल भी बचा हुआ था। हमारी सैटेलाइट मार्स तक पहुंच रही थी, अब बस 1 महीने बचे थे 24 सितंबर आने में, पर हमारी सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया। सब टेंशन में आ गए। कृतिका ने बिना कुछ सोचे समझे पावर ऑफ कर दिया और फिर से पावर ऑन किया, जिससे कनेक्शन वापस से रिस्टोर हो गया। निशा ने फॉर कम्युनिकेशन वॉल्वरीन का मटेरियल सैटेलाइट में यूज़ कराया था, जो कि खुद को ऑटोमेटिक रिपेयर कर सकता है, तो जो भी डैमेज हुआ था सैटेलाइट में वो भी रिपेयर हो गया। और सोलर विंड की वजह से हमारी सैटेलाइट की स्पीड काफ़ी तेज़ हो गई थी, जिससे हमने अपने 6 दिन के गैप की भी भरपाई कर ली थी। अब बस सक्सेसफुली मार्स पर लैंड होना बाकी था। 24 सितंबर 2014 की तारीख आ चुकी थी, पर अभी भी एक प्रॉब्लम थी। अगर सक्सेसफुली मार्स की कक्षा में घूमना है तो स्पीड 15,000 के आसपास होनी चाहिए, पर स्पीड अब भी बहुत तेज़ थी, इवन 50,000 से ज़्यादा थी। हम बचे हुए फ्यूल की मदद से स्पीड को काबू करने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही स्पीड 19,000 तक आती है हमारा मंगलयान से कनेक्शन टूट जाता है, जो कि अब अगले 24 मिनट में बताएगा कि मिशन सक्सेसफुल है या नहीं। पूरी इंडिया प्रे कर रही थी कि सब अच्छा हो। फाइनली मंगलयान सिग्नल भेजता है कि वो सक्सेसफुली मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया है और धरती पर मार्स की तस्वीर भेजता है। इट्स ए स्मॉल ट्रिब्यूट टू अवर साइंटिस्ट हु आर वर्किंग सो हार्ड टू मेक अवर नेशन प्राउड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।